कितने जैसे होता है कि जो हेयर कलर होते हैं कितना हानिकारक होता है, जो रिएक्शन बाद में कर देता है, तो इसमें वो क्या? उसमें देखिए कि हम ये कलर के बारे में ये बताना चाहेंगे, अगर किसी को एलर्जी किसी चीज़ की भी है तो वो कलर ना कराएं। लेडीज़ लोग का सारा सुविधा अंदर है, और लेडीज़ के लिए हम बता दें कि उनके लिए फुल मतलब सेपरेट एरिया है, उनके लिए कोई इशू नहीं है, वो बेधड़क आएँ और बेझिझक हमें सेवा का मौका दें। सर कोई वीडियो के माध्यम से आता है तो कुछ डिस्काउंट वगैरह है अभी? जी बिल्कुल है, बिल्कुल डिस्काउंट देगी, अभी ऑफर है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस नए व्लॉग वीडियो में। दोस्तों अभी मैं मौजूद हूँ मीरगंज में, और मीरगंज में आज मैं आपको एक सैलून का वीडियो दिखाने वाला हूँ, और ये कोई मामूली सैलून नहीं होने वाला, एक देसी ब्रांडेड सैलून, अपने गोपालगंज की ब्रांड है ये, और गोपालगंज में काफ़ी ब्रांडेड सैलून है, लेकिन इस छोटे से ब्रांड ने भी काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स को टक्कर दे दी है। और अभी मैं उस सैलून के बाहर मौजूद हूँ, और अंदर ले चलूँगा, यहाँ पर दिखाऊँगा क्या क्या यहाँ पर सुविधाएँ आपको दी जाती हैं, और काफ़ी सारी सुविधाएँ यहाँ पर आप मिलने वाली है, और भी कुछ जानेंगे इस सैलून के बारे में। तो आइए आपको अंदर लेके चलते हैं, और यहाँ पर दिखाते हैं, यहाँ पर सिर्फ मेंस का जो काम किया जाता है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हेलो सर, पहले तो अपना नाम बताइए सर। जी मेरा नाम हुआ मोहम्मद साहिब अली, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, थावे से हूँ, और काफ़ी दिनों से मीरगंज में हूँ, और काफ़ी दिनों से काम कर रहा हूँ यहाँ पर। मुझे बहुत सारी सुविधाएँ मिली है, कस्टमर लोग का प्यार भी मिला है, जो कि प्यार की वजह से मैं बहुत अभी यहाँ पर डेवलपर आया हूँ। अभी हम प्रॉपर कहाँ है लोकेशन और अपना ये बताइए। अभी हम फिलहाल लोकेशन यहाँ का है मीरगंज पड़ेगा, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है मीरगंज, आपका ब्रांच है ये। सैलून का क्या नाम? और सैलून का नाम हम लोग का हो गया आरबी सिग्नेचर, जो कि हमारे ओनर के उनके नाम से ही है, रानी बिल्किस। जो इसके अंदर सिर्फ आदमियों का जो काम किया जाता है? इसके अंदर में आपको लेडीज़ और जेंट्स दोनों का आपको मतलब सुविधाएं उपलब्ध मिल जाएंगी, जो कि ये लेडीज़ डिपार्ट अलग है और जेंट्स डिपार्ट यहाँ पर हो गया। हम लोग यहाँ पर जेंट्स का काम करते हैं और लेडीज़ का डिपार्ट अलग है वहाँ पर। मैम क्या क्या फैसिलिटी यहाँ पे है जेंट्स में? फैसिलिटी यहाँ पर आपको जो फैसिलिटी चाहिए सब अवेलेबल है, हम लोग कटिंग शेविंग और फेशियल वगैरह, और हम किसी भी मान लीजिए शुभ मुहूर्त पर अगर घर पे भी बुलाया जाए तो हम लोग जाके वहाँ पर भी काम हम लोग दे सकते हैं, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा सब तरह की सुविधा है जो आपकी इच्छा अनुसार। जैसे कि आपके ये सैलून है, ये बड़े बड़े ब्रांड्स को टक्कर दे रहा है इस वक्त, तो क्या जो प्राइस आप रखे हैं वो बड़े ब्रांड के जो प्राइस महंगे महंगे होते, तो उतना महंगा आपका प्राइस होने वाला है? तो हमें देखिए, हमें महंगे से कोई इशू नहीं है, हम लोग सबको ले कर चलना है, यहाँ पर बड़े लोग भी हैं, छोटे लोग भी हैं, कुछ मिडिल क्लास भी हैं, तो उनमें क्या है कि उनमें हैं काफ़ी सारा, उनके हिसाब से वो रखे हैं, और हम लोग का है कि मात्र 80 रुपीज़ है कटिंग का। अच्छा। और शेविंग का मात्र 80 रुपये से? जी। और शेविंग का? शेविंग का 50 रुपीज़ है। अच्छा। और कटिंग के 80 रुपीज़ है जी। जैसे कि आप देख सकते हैं एसी और पंखा दोनों की व्यवस्था है पूरी। जी जी हाँ हाँ, अच्छा कंडीशन है। यहाँ पे कटिंग कर रहे हैं क्या? जी जी हाँ, सर का कटिंग हो रहा है जी। इनका ये मतलब इनका कौन सा वाला कटिंग हो रहा है? ये सी कट बोला जाए, सी कट स्लोप में है। अच्छा। जो कि इनको बेहतरीन तरीके से ये कट दिया गया है इनके पसंद के हिसाब से। अच्छा। जो कि ये इनकी ख्वाहिश है यही बताएं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मोहम्मद रहमान। अच्छा, तो आप यहाँ पे कटिंग करवाने क्यों आते हैं? यहाँ पर क्योंकि मैं इसलिए आता हूँ कि यहाँ पर बहुत अच्छे कम दाम में कम प्राइस में बहुत अच्छा फैसिलिटीज़ दिया जाती है यहाँ पर, हेयर कट के संग और भी बहुत कुछ है, कि 80 रुपये में यहाँ पर 80 रुपीज़ में आज के टाइम में कितना अच्छा फैसिलिटीज़ कहीं नहीं मिलते, क्योंकि एसी में कहीं भी जाइएगा अभी बहुत सारे बड़े बड़े पार्लर है कि जहाँ पर आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे पार्लर है, अच्छे अच्छे काम भी है वहाँ पर, तो वहाँ पर अच्छे अच्छे होता है, वहाँ पर अच्छे फैसिलिटीज़ भी, लेकिन यहाँ पर कम दाम में बहुत अच्छे फैसिलिटीज़ मिलती है, जैसे हेयर कट 80 रुपये में, और साथ साथ इसके साथ इंक्लूडेड है हेयर वॉश, उसके साथ आप हेयर वॉश करने के बाद यहाँ पर ड्रायर भी मारा जाता है। अच्छा। इस वजह से लगभग कितने साल से यहाँ पे आ रहे हैं? यहाँ मैं आप 6-7 महीने से आ रहा हूँ। 6-7 महीने? हाँ। तो कैसे पता लगा आपके शहर में इतना जो ब्रांडेड है, ब्रांड को टक्कर दे रहा है ऐसा सैलून आपके यहाँ पर? हमारी जो रानी बिल्किस मैम है उनका यूट्यूब में चैनल है, मैं वहाँ से देखा तो यहाँ पर आया जी। आइए सर से और कुछ भी जानने का प्रयास करेंगे इस सैलून के बारे में। सर जैसा कि आपका सैलून है, इसमें और क्या क्या मेंस डिपार्टमेंट जो आपने बताया ये अलग है जी, इसमें मेंस के जैसे घर पे जाके जो जो शादी का जी हाँ सजाना हो तो शादी में भी आप अगर हमें ऑर्डर दें किसी भी काम का, दूल्हे का दुल्हन का, तो सब यहाँ पर फैसिलिटी अवेलेबल है। हम लोग दूल्हे का भी मेकअप करने कटिंग करने जाते हैं, होम सर्विस दी जाती है। हाँ, होम सर्विस भी है और उसके लिए कोई इशू नहीं है, हम लोग बेफिक्र। अलग से जो चार्ज होगा वो? हाँ, वो अलग से चार्ज उसका अलग पड़ता है, तो वो काम के ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके का आप काम करा रहे हो। लगभग कितने साल हुए सर आपकी इसका? तकरीबन 2 साल हो गए हैं। 2 साल? हाँ। सर और कुछ बताइए ना, खास आपके सैलून में क्या खास है? यहाँ पर आपको सबसे बढ़िया मिलेगा कि आप सुकूनियत यहाँ पर मिलेगा, काम अच्छा होगा आपका, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी आपको कंप्लेंट नहीं आएगी किसी भी प्रकार की,
और आपको यहाँ पर शांतिपूर्वक यहाँ पर काम आपका होगा, कोई हल्ला चिल्ला नहीं। बाकी सैलून में आप देख सकते हैं बाकी पार्लर में चिल्ला चिल्ली हो या साउंड का थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है, तो यहाँ पर उस तरीके का कोई नहीं है। यहाँ पर जो भी आते हैं रिलैक्स होकर काम कराते हैं और रिलैक्सेशन से ही सब काम हो जाता है, किसी को कोई परेशानी नहीं होती है। हफ्ता में कितने दिन ही आपका ओपन रहता है? ये हम लोग का पूरे हफ्ता खुला रहता है, सारे हफ्ता खुला रहता है। प्राइस काफ़ी कम है आपके पास? हाँ ऐसा प्राइस क्यों है लेकिन? हाँ प्राइस इसलिए कम है, एसी और पंखा ये सब मेंटेन कहाँ से करते हैं? अब मेंटेनेंस मान लीजिए इसी में होता है सब, मान लीजिए कि इसमें मेंटेनेंस हो जाता है कि लोग यहाँ प्यार देते हैं तो लोग आते हैं, और सबको हम लोग को मतलब मेंटेन करके रखना पड़ता है क्योंकि सबके पास नहीं हो पाता है कि कोई 250-300 दे। अब हम लोग का मान लीजिए कि बड़े बड़े सैलून से तो उसमें 250-300 लगते हैं, तो सबके पास नहीं हो पाता है, तो हम लोग के पास है कि सबके लिए सुविधा है। तो 80 रुपये में मतलब आजकल कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल लोग भी कटा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, सबके लिए सही है ये। हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि जो बड़े लेवल के जो सैलून है उनको जब देसी अपना ब्रांड गोपालगंज का ब्रांड टक्कर दे तो हम उनका सपोर्ट करना चाहिए। लोगों का क्या आपको प्यार मिलता है? जी जी बिल्कुल, लोगों का रिएक्शन भी बहुत अच्छा है, उनका प्यार भी बहुत सारा मिलता है, और मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पर हूँ तो काफ़ी लोग मुझे जानते भी हैं और उनका प्यार भी मिला है, और उन्हीं के आशीर्वाद से और उन्हीं की बदौलत से मुझे कुछ लोग जानने भी लगे हैं और मैं काफ़ी हैप्पी हूँ। हमने सुना आप मिमिक्री भी काफ़ी अच्छा करते हैं। नहीं नहीं मिमिक्री तो नहीं करते वैसे, बस यूँ ही टाइम पास के लिए कभी कोई ऐसा बात पर जोक सुना या कॉमेडी हो जाती है, हंसी मजाक में हो जाता है कभी किसी। हाँ ऐसे कोई, मतलब हाँ, कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं आपने? नहीं नहीं मेरा यही बस प्रोफेशन है कटिंग शेविंग का। हाँ लोगों के साथ हंसी मजाक करते करते अपना काम भी करते हैं ताकि लोग बोरिंग ना हो, कि जैसे कोई चेयर पर बैठते हैं तो चुपचाप सर नीचे करके बैठे रहते हैं और कटिंग कराते हैं, सर आपका हो गया, तो उस तरीके से नहीं, हम लोग हंसी मजाक करते रहते हैं, आए लोग करके कोई ऐसा बातचीत करके व्यवहारिक बना कर रखते हैं। हाँ, उसमें टाइम भी पास हो जाता है, कटिंग भी हो जाती है, काम भी हो जाता है, लोग मतलब हैप्पी होके भी चले जाते हैं। 80 रुपये में काफ़ी अच्छी फैसिलिटी आपको दी जा रही है, जैसे कि व्यवस्था यहाँ की देख सकते हैं कितना अच्छा इंटीरियर यहाँ का डिज़ाइन किया गया, उसके बाद से भाई साहब हंसी मजाक करते हैं, मतलब कोई दुखी हो कि आपके पास? नहीं नहीं कोई किसी को कोई तकलीफ नहीं होती है, सब हैप्पी रहते हैं। काफ़ी अलग अलग बड़े बड़े ब्रांड के सैलून हैं, तो अगर कोई चाहता है आपके ब्रांड की जो फ्रेंचाइजी लेकर अपने शहर में खोलने के लिए तो उसकी सुविधा? अभी तो सुविधा भी उपलब्ध नहीं हुआ है, मगर ऊपर वाला चाहेंगे तो हम लोग के पास भी वैसा फ्रेंचाइजी होने लायक, हम लोग भी उसका बिल हो जाए तो ज़रूर वो लोग भी ले सकते हैं। अच्छा। तो अभी हम लोग का ये स्टार्टिंग पॉइंट है, अभी हम लोगों ने शुरुआत किया है और हम लोग काफ़ी आगे तक निकल चुके हैं जी, बस अब आगे देखते हैं क्या होता है, तो काफ़ी लोग जुड़ जाएंगे। तो आप भी इन लोग भाई साहब को सपोर्ट करिए क्योंकि ये अपना देसी ब्रांड है, गोपालगंज का ब्रांड है और काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स को आज टक्कर दे चुका है और काफ़ी कम प्राइस में 80 रुपये, जैसे इन्होंने बताया कि 80 रुपये में काफ़ी सारी फैसिलिटी आपको मिल जा रही है यहाँ पर, और बाकी ब्रांड्स में मतलब बड़े बड़े सैलून में 80 रुपये में तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं, भी नहीं होता। नहीं वहाँ पर है, वो होता क्या है कि आपको कटिंग के लिए जाना पड़े तो कम से कम 200 रुपये लगते हैं, शेविंग के लिए 100 लगते हैं या 150 लगते हैं, तो उनमें क्या होता है कि वो उनके हिसाब से वो फैसिलिटी देते हैं। हमारे पास जो है कि हमें सबको देखना है, अमीर हो गरीब हो मिडिल क्लास हो जो भी हाई क्लास हो, सबको हम लोगों को देखना है, तो उसमें क्या होता है कि 80 रुपये में आजकल किसी का कुछ होता नहीं है, और 80 रुपये में हम लोग कटिंग करते हैं, हेयर वॉश करते हैं ज़रूरत अनुसार, हेयर कलर भी करते हैं। हाँ हेयर कलर होता है तो वो कलर का अलग चार्जेस है। अच्छा। तो कटिंग में हम लोग का मतलब हेयर वॉश है और हेयर कटिंग है, तो 80 रुपये। कितने जैसे होता है कि जो हेयर कलर होते हैं कितना हानिकारक होता है जो रिएक्शन बाद में कर देता है, तो इसमें क्या? उसमें देखिए कि हम ये कलर के बारे में ये बताना चाहेंगे, अगर किसी को एलर्जी किसी चीज़ की भी है तो वो कलर ना कराएं, उसका पहले थोड़ा सा मतलब उसका एक टेस्ट कर लें, उसके बाद वो कलर अपने ऊपर ले सकते हैं, ताकि वो टेस्ट करने के बाद उनको पता चल जाएगा कि हाँ कलर मेरे लिए है या नहीं। तो टेस्ट करने के लिए हम ये बताएंगे कि जहाँ तक मुझे जानकारी है कलर हो तो टेस्ट करने के लिए हल्का सा कान के तल्ली में लगाया जाता है, तो उसमें एक मतलब जलन सी होती है या छनछन आता है तो आप कलर ना लगाएं, अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है तो कोई इशू नहीं है। कितने लोग कहते हैं कि हेयर कलर लगाने से एलर्जी होती है, तो पहले आप अपना टेस्ट करें कि आप मतलब उस लायक है कि नहीं, कि आपकी स्किन मतलब उस कलर को सेट कर रही है कि नहीं, कोई रिएक्शन अगर आपके स्किन में प्रॉब्लम है तो इनकी कोई गलती नहीं है, आप हेयर कलर मत कराएं। बाकी इसका देखा आपने अंदर से वीडियो चल रहा होगा, जहाँ लेडीज़ डिपार्टमेंट है वहाँ लेडीज़ का सब सुविधा है, वहाँ पे काम की जाती है मेकअप भी? हाँ हाँ लेडीज़ लोग का सारा सुविधा अंदर है, और लेडीज़ के लिए हम बता दें कि उनके लिए फुल मतलब सेपरेट एरिया है, उनके लिए कोई इशू नहीं है, वो बेधड़क आएँ और बेझिझक हमें सेवा का मौका दें, उनको भी लेडीज़ लोग से भी अनुरोध करेंगे कि वो आएँ हमें सेवा का मौका दें, और उनके लिए कोई इशू नहीं है, बिल्कुल पर्दनशी सब काम होता है जो कि उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा कितना लोग ये सोच रहे होंगे ना मेंस और लेडीज़ है तो दोनों डिपार्टमेंट में होगा? नहीं ऐसे नहीं है, देखिए लेडीज़ का डिपार्टमेंट अलग है
जेंट्स का अलग है, बड़े बड़े सैलून में क्या होता है दोनों एक ही में कर दिया। हाँ, एक ही में रहता है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर उस तरीके से नहीं हो पाता है, कोई माता बहनें हैं जो एक साथ बैठना नहीं चाहती हैं, तो इस वजह से और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि जेंट्स के सामने कोई नहीं बैठ कर काम करा सकती, जेंट्स के सामने वो नहीं बैठ सकती, या किसी जेंट्स को ऐसा उनको लग जाती है या लेडीज़ को लग जाती है। इस वजह से हमने पार्टीशन कर दिया गया है कि लेडीज़ जो है वो अपने अंदर में अकेले कराएँ और जेंट्स जो है इधर अपना अलग करा सकते हैं। ऐसे सैलून को हमें सपोर्ट करना चाहिए और पूरा अपना सपोर्ट लगाना चाहिए कि ये भी एक हाई लेवल का ब्रांड बने, और बड़े बड़े ब्रांड्स को आज तो टक्कर दे ही रहे हैं जैसे कि इन्होंने बताया। बाकी यहाँ का एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में दे दें। सर कोई वीडियो के माध्यम से आता है तो कुछ डिस्काउंट वगैरह है अभी? जी बिल्कुल है, बिल्कुल डिस्काउंट देगी, अभी ऑफर है। आप लोग कटिंग कराइए, शेविंग कराइए और मसाज कराइए, तो वैसे नॉर्मली टाइम पर अगर आते हैं तो 500 में होता है। अच्छा। और अभी फ़िलहाल के टाइम में आपको 250 में हो जाएगा। अच्छा, 250 में? जी हाँ, कटिंग कराइए, शेविंग कराइए और फेशियल कराइए, 250 में हो जाएगा। फेशियल में आपको 2 किट दिया जाएगा, 3 किट आएगा, मसाज क्रीम आएगा, स्क्रब आएगा, पैक आएगा और जेल आएगा, 4 क्रीम आपको दिया जाएगा। ये आप अगर नॉर्मल सैलून में कहीं करवाते हैं तो 500-600 रुपये मैक्सिमम आप मिनिमम लेगा, मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, मैक्सिमम आपसे ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे एक बार विजिट करिए, यहाँ का फुल एड्रेस है। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, कोई भी अगर हमसे मिस्टेक हुई तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, वीडियो को शेयर करें। फिर मिलते हैं आपको एक अलग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।